गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में देखा था, तो इसमें भी उसी तरह से देखेंगे। तो इसकी खुदाई किसने करवाया था? रखालदास बनर्जी ने। इसकी खुदाई कब कराया था? 1921 ईस्वी में, या अभी पाकिस्तान में है, लरकाना ज़िले में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? या सिंधु नदी के तट पे है। या जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा जो शहर है ना, वो मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। इसे मृतकों का बहुत बड़ा टीला, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा मरा हुआ जो आदमी है वो मिला है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ की निम्नलिखित वस्तुएं जो जो मिला है उसका हम देखते हैं। यहाँ पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिल गया है, घर में विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ठीक है, जैसे हड़प्पा में मिला था इसमें भी मिला है। और सबसे चौड़ी सड़क मिला है। ठीक है, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का दैर, ये सारे जो है यहाँ पे मिला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा भवन या इमारत बोल सकते हैं, सबसे बड़ा यहाँ का जो अन्नागार है ना, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा भवन बोल सकते हैं, ठीक है, इमारत जो अन्नागार मोहनजोदड़ो का है। स्वास्तिक का मुहर सर्वाधिक जो है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। स्वास्तिक का जो सर्वाधिक मुहर मिला है, ठीक है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। जैसे स्वास्तिक का मुहर का जो निर्माण है ना, सिलखड़ी से बना है। बनाया किसे क्या है? सिलखड़ी से। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।